स्टूडेंट, टुडे वी सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द स्टेडी स्टेट एरर ऑफ स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट एंड पैराबोलिक इनपुट. ओके, फर्स्टली वी सी द स्टेप इनपुट फॉर द मैग्नीट्यूड ए. ओके, वी नो दैट द आर ऑफ एस इज इक्वल्स टू ए बाय एस फॉर स्टेप इनपुट. ओके, after that g of s h of s is excited by above input, the steady state error is क्या होगा. ऑलरेडी हम लोगों ने ये फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर में देखा है, स्टेडी स्टेट एरर का डेरिवेशन. ठीक है, लिमिट s is to 0 s r of s अपॉन 1 प्लस g of s into h of s. अभी इसमें क्या होगा, जो भी स्टेप इनपुट की r of s की वैल्यू होगी वो हम इसमें पुट करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट क्या है, आर ऑफ एस इज इक्वल्स टू ए ऑफ एस फॉर स्टेप इनपुट. आफ्टर दैट वी पुट दिस वैल्यू इन दिस, सो व्हाट विल हैपन, दिस एस एस विल बी कैंसल, द रिमेनिंग विल बी ए. ओके, सो ए बाय वन प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस. ओके, देन अप्लाई लिमिट टू अबव एक्सप्रेशन. देन लिमिट अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, स्टेडी स्टेट एरर इज इक्वल्स टू ए बाय लिमिट एस टेंस टू जीरो जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस. ओके, और यहाँ पे हम लोग अभी क्या करेंगे, इसके बाद में पुटिंग लेंगे लिमिट एस टेंस टू जीरो जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल्स टू के पी, के पी फॉर स्टेप इनपुट कॉन्स्टेंट. ओके, तो जो भी ई ऑफ एस एस होगा, मीन्स स्टेडी स्टेट एरर होगा फॉर स्टेप इनपुट का, वो क्या हो जाएगा, ए बाय वन प्लस के पी. ओके, यहाँ पे हम लोग पुट कर रहे हैं ना, तो क्या होगा यहाँ पे, वन प्लस के पी. ओके, ओके, आफ्टर दैट वी सी फॉर रैंप इनपुट विथ मैग्नीट्यूड ए. ओके, इन फॉर रैंप इनपुट आर एस इज इक्वल्स टू ए बाय एस स्क्वायर. ओके, so g of s h of s is excited by above input, then steady state error for ramp input it is limit s tends to 0 s dot r of s की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, a by s square. ओके, बाकी सेम रहेगा, 1 plus g of s into h of s. ओके, उसके बाद में क्या करेंगे, जो भी लिमिट है आपका वो क्या करेंगे हम लोग, अभी इसमें क्या हो रहा है, ऊपर का जो टर्म है s, एक s स्क्वायर से s एक कैंसिल हो गया तो एक ही s बचेगा. ओके, वो s नीचे जाएगा, वो मल्टीप्लीकेशन आएगा, तो क्या रहेगा, इट इज s प्लस s g ऑफ s इंटू एच ऑफ s. ओके, सो इन दिस आफ्टर इसमें क्या होगा, एक s ये नीचे आएगा. ओके, ओके, इसके बाद में क्या होगा, जो भी लिमिट है हम लोग इसको लिमिट को ये ब्रैकेट में जो है डिवाइड करेंगे, लिमिट इसको भी जाएगा और इसको भी जाएगा. अगर लिमिट s टेंस टू जीरो इसको जाएगा तो ये तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी. ओके, सो कौन सी टर्म बचेगी, लिमिट s टेंस टू जीरो दैट इज s g ऑफ s प्लस h ऑफ s. ओके, वही लिखी है लास्ट में, देखो स्टेडी स्टेट एरर फॉर रैंप इनपुट इट इज लिमिट s टेंस टू जीरो a अपॉन s g ऑफ s इंटू h ऑफ s. ओके, बाद में हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई लिमिट टू द अबव इक्वेशन, लिमिट अप्लाई करेंगे इसको, तो ये जो है क्या हो जाएगा, अभी लिमिट अगर अप्लाई कर दिया इधर तो जो है इसको हम कांस्टेंट लेंगे, जो भी नीचे वाले टर्म है रैंप इनपुट में हम लोग कांस्टेंट के भी लेंगे. ओके, सो लास्ट जो आंसर है आपका स्टेडी स्टेट एरर फॉर रैंप इनपुट वो आएगा ए बाय के बी. ओके, ए और ये जो पूरी टर्म है इसको हमने कांस्टेंट ले लिया, दैट इज के बी. ओके, नेक्स्ट है आपका पैराबोलिक इनपुट फॉर मैग्नीट्यूड ए, इसमें आर ऑफ एस क्या रहेगा, ए बाय एस क्यू. ओके, यहाँ पे भी जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज एक्सेटेड बाय अबव इनपुट. ओके, ओके, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी आर ऑफ एस है उसकी जगह पे हम लोग लिख रहे हैं ए बाय एस क्यू. यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी एस और इसमें से एक एस कैंसिल हो गया तो ये क्या बचेगा, एस स्क्वायर. ये कहाँ पे जाएगा, नीचे जाएगा, तो क्या आएगी टर्म, दैट इज एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस. ओके, ये यहाँ पे क्या आएगा, एस स्क्वायर आएगा, तो इसको हम
जो है ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके आगे फिर से लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अगर अप्लाई कर दिया हम लोगों ने तो ये वाली टर्म तो पूरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके बाद में क्या बचेगा, ए बाय लिमिट एस स्क्वायर जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ओके फिर से हम लोग ये जो नीचे वाली टर्म है इसको कॉन्स्टेंट जो है के ए से डिनोट करेंगे, तो अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, स्टेडी स्टेट एरर फॉर पैराबोलिक इनपुट इट इज ए बाय के ए। ओके ये जो सभी हमने देखे स्टेडी स्टेट एरर फॉर स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट, इनपुट और पैराबोलिक इनपुट, ये भी आपको एग्जाम में पूछते हैं। ओके सो थैंक यू।